लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एक्सरसाइज 10, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. क्वेश्चन नंबर 22 इज इफ 3 cot theta, 3 cot theta की वैल्यू हमें दे रखी है 4, देन शो दैट 1 minus 10 square theta, 1 minus 10 square theta अपॉन 1 plus 10 square theta इज इक्वल्स टू cos square theta minus साइन स्क्वायर थीटा. ये हमें प्रूव करना है, राइट फ्रेंड्स. तो कैसे करेंगे देखिए, अब हमें कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 4, तो सॉरी 3 cot theta की वैल्यू दे रखी है 4, तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो आ गई 4/3, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में चला गया, राइट. अब 4/3 कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस कौन सी साइड है ट्राइंगल की, ये निकालना पड़ेगा. तो हमने इसकी नेमिंग की ए बी सी, और ये हमारा आ गया 90 degree, और ये आ गया हमारा थीटा. तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज. तो 4/3 इक्वल्स टू बेस आया हमारा बी सी और परपेंडिकुलर आया ए बी, राइट. तो बी सी कितना आ गया, बी सी इक्वल्स टू 4 के बिल्कुल सामने वाला, और ए बी इक्वल्स टू 3 के, राइट फ्रेंड्स. तो ए बी के आगे 3 के लिख दिया और बी बेस के आगे 4 के लिख दिया. यहाँ पे वेयर के इज पॉजिटिव, राइट. नाउ अब हमें कॉस और साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कॉस और साइन के लिए हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट. तो पी कितना था, 3 के का होल स्क्वायर, बी कितना था, 4 के का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर. तो ये आ गया हमारा 25 के स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू. तो एच कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 के स्क्वायर. दैट मीन्स हमें पता है 5 के आ गया, क्योंकि 5 5 20 25 और के स्क्वायर है, 5 के आ गया. अब हम सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे, राइट. तो हम देखिए 10 थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी आई, हमें पता है 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर था 3 के और बेस था 4 के, तो के से के कैंसिल हो गया, तो आ गया 3/4. और हमें साइन थीटा की वैल्यू देखें कितनी आएगी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो 3 के/5 के, तो के से के कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3/5. कॉस थीटा कितना आया, कॉस थीटा आया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 4 के/5 के, तो के से के कैंसिल हुआ, तो आंसर आ गया 4/5, राइट. अब देखिए, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करनी है. तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जब हमें ये दे रखा होता है तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज करके भी कर सकते थे, इसको छोटा करके, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. लेकिन जब हमें इस तरीके की वैल्यू दी हुई होती है तो हम वैल्यू पुट करके ही प्रूव करते हैं, राइट. तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करें पहले, 1 minus 10 square theta अपॉन 1 plus 10 square theta. तो 1 minus 10 theta कितना देर था, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 plus 3/4 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, 1 minus 3 3 is 9, ऊपर का स्क्वायर और नीचे का स्क्वायर, इसी तरीके से ऊपर का स्क्वायर और नीचे का स्क्वायर, राइट. तो एलसीएम कितना आ गया, 16 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है. तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ. तो 16 into 1 minus 9 अपॉन, सेम इसमें भी होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 16 आ गया एलसीएम. तो 16 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ प्लस 9,
तो ये आ गया 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16, राइट फ्रेंड्स। तो अब 16 में से 9 गए तो कितना बचा हमारा, 7 अपॉन 16, और 16 में प्लस करते हैं 9 तो कितना हो गया, 25 अपॉन 16, राइट। तो ये a अपॉन b अपॉन c अपॉन d की फॉर्म में आ गया, तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन b इंटू डी अपॉन सी, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 7 अपॉन 25। ये लेफ्ट हैंड साइड का है फ्रेंड्स, हमें राइट हैंड साइड का आंसर निकालना होगा। तो राइट हैंड साइड का आंसर देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो कॉस कितना था, 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन कितना था, 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 4 4 16, 5 5 25, माइनस 3 3 9 अपॉन 5 5 25। एलसीएम लिया, 25 आया, दोनों के नीचे 25 है तो ऊपर की वैल्यूज एज इट इज लिख दी, तो 16 में से 9 गया, दैट मींस 7 अपॉन 25। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आंसर। थैंक यू। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।